सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में कक्षा 4 के बच्चों का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंग्लिश क्लास अटेंड किया था, आज के लेक्चर में हम लोग हिंदी विषय अटेंड करेंगे। हिंदी विषय में लेसन नंबर पाठ नंबर एक क्या है, केरल की एक झांकी, ये पाठ नंबर 1 है। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को फिर से अवगत कराना चाहूंगा कि बुक्स और कॉपी अवेलेबल हैं, आप लोग जितनी जल्दी हो सके उसको परचेज करा लें और अपने नए कोर्स को स्टार्ट कर दें। चलिए अब हम लोग आते हैं विषय पर। तो पाठ नंबर 1 क्या है, ये देखिए, ये आपकी बुक है, ये देखिए बुक है आपकी न्यू बुक, और इसमें पाठ नंबर 1 क्या है, केरल की एक झांकी, ये आप ध्यान से देख लीजिए, सभी लोगों को देखा। चलिए अब इस पाठ को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि झांकी क्या होती है। राइट है मींस लिखा हुआ है, केरल भी मतलब कोई एक प्रदेश होगा, कि एक झांकी। अब ये झांकी जो शब्द है इसको समझ लेंगे तो ये पाठ आपको समझने में आसानी होती है। झांकी नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, झांकी क्या होता है, किसी दृश्य को, यानी कोई दृश्य है उसको फोटो के द्वारा फोटो खींची जाती है या फिर मूर्तियों के द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है, झांकी कहलाता है। लोग जो है मूर्तियां बनाते हैं, मूर्ति बना करके उस दृश्य को दर्शाने की कोशिश करते हैं, और फोटो भी लोग इसे भगवान की देखो फोटो बना देते हैं, भगवान की मूर्तियां बना देते हैं, तो बोलते हैं ना देखो भगवान की झांकी निकल रही है। तो झांकी में क्या होता है, उसी चीज का दृश्य जो है मूर्ति के द्वारा या फिर फोटो के द्वारा जो है दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि वो चीज कैसी है और देखने में कैसी दिखती है। जैसे भगवान दिखते नहीं लेकिन उनको क्या किया जाता है, फोटो के द्वारा दर्शाया जाता है कि कुछ ऐसे वो दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो पाठ नंबर 1 में यही चीज दिखाने या फिर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। तो केरल की झांकी हम लोग देखेंगे। अब ये चित्र के माध्यम से, यानी चित्र में वो चीज दर्शाया गया है कि वहां का जो रहन सहन है, ठीक है, केरल में लोग कैसे रहते हैं, उनका पहनावा क्या है, ठीक है, यही आपको चित्र के माध्यम से समझना है। जैसे देखो प्रस्तुत चित्र के माध्यम से विद्यार्थी को दक्षिण भारत के राज्य केरल के बारे में जानकारी दी गई है। केरल कहां पर है, दक्षिण भारत में। तो अब इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पर कुछ झोपड़ियां बनी हुई हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ भी पहले झोपड़ियां हुआ करती थी लेकिन अब आपको ये झोपड़ियां नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पेड़ बने हुए हैं, अब अपने यहाँ के पेड़ों को आप देखिए, और ये जो चित्र में पेड़ों को दर्शाया गया है इनको आप देखिए, ये किस तरीके के हैं, ये ताड़ के पेड़ हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर समुद्र का किनारा होता है। देखिए ये नाव चल रही है, ये कोई नदी है, ठीक है, ये देखो झोपड़ी बनी हुई है, कुछ लोग यहाँ पर किनारे पर हैं, एक महिला है, ये देखो दो पुरुष हैं, ये नाव है, ध्यान से देखिए, और ये टोकरी में कुछ रखा हुआ है, देखो क्या रखा हुआ है, बताइए क्या रखा है, ध्यान से देखिए, ये कुछ क्या है। अब पानी के किनारे हैं तो जाहिर सी बात पानी के किनारे कोई फल का तो पौधा दिख नहीं रहा, मछलियां दिख रही हैं, हाँ बिल्कुल सही उत्तर, मछलियां। तो देखो टोकरी में मछली रखी हुई है, ठीक है। अब इस आदमी को देखो, इसके पास क्या है, एक जाल जैसा है। अब जाल में आपको पहले से पता है जाल के अंदर क्या होती है, मछलियां होती हैं, ठीक है ना। तो देखो इस झांकी के द्वारा यानी चित्र के द्वारा केरल का जो माहौल है, यानी वहां का जो वातावरण है, वहां की जो चीजें हैं, वो आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो इनका पहनावा भी देखो किस तरीके का है। अब ये सारी चीजों को देख करके आपको इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए पाठ में प्रश्न दिए हुए हैं, आपको उत्तर देना है। जैसे हम पढ़ते हैं, पहला प्रश्न क्या है, दिया गया चित्र भारत के किस राज्य का है। तो ये तो पहले से आपको पता है कि भारत के किस राज्य का है, ये बताइए केरल का है, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए,
राज्य में किस चीज के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस झांकी के द्वारा यानी चित्र के द्वारा देखिए इस राज्य में और किस तरीके के पौधे बने हुए। अपने यहाँ का अगर चित्र होता तो कैसे पौधे बने होते, यानी कहीं आम बना होता, कहीं इमली का पौधा होता है, तो कहीं जो है यूकेलिप्टस का पौधा होता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे आम के पौधे नहीं दिख रहे, यहाँ पर कैसे पौधे दिख रहे, ये ताड़ के पौधे दिख रहे हैं ना। मतलब क्या है, वहां पर ताड़ के पौधों की अधिकता होगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, इस राज्य में घरों की छतें किस चीज की बनाई जाती हैं। अब देखो, अब अपने यहां की तुलना करिए, अपने यहां का अगर कोई घर आपको बना मिलेगा तो कुछ इस तरीके का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप अपने घर को ध्यान से देखिए, आपके यहाँ की छत कैसी है, और जरा इस घर को देखिए, इस घर को आप ध्यान से देखिए, और ये भी देखो झोपड़ी बनी। यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये छत सीमेंट की नहीं है, इसकी छत क्या है, सीमेंट की नहीं है, किससे बनी हुई है, ताड़ की पत्तियों से, यानी खरपतवार से, खरपतवार जानते हैं ना, हाँ उसी से जो है इसको बनाया गया है। देखो ध्यान से देखो, और आपके यहाँ की छत कैसी बनी है, ऊपर ध्यान से देखिए, सीमेंट की बनी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, वहां के लोग जो है सीमेंट की छतों का इस्तेमाल कम करते हैं, ठीक है ना, वहां ज्यादातर क्या है, झोपड़ियां है, देखो ये देखिए, ठीक है ना। अब अगला कुछ प्रश्न क्या है, स्त्रियों व पुरुषों का पहनावा क्या है। अब देखिए, सबसे पहले आप अपने पहनावे को देखिए, आपने क्या पहन रखा है। मैं अपने पहनावा के बारे में बताता हूँ, देखो मैंने शर्ट पहन रखी है, ठीक है ना, और नीचे क्या पहन रखी है, पैंट पहन रखी है, ठीक है ना। अब जरा इस व्यक्ति को देखो, इस व्यक्ति को देखो, इसने हाफ कुछ पहन रखा है, और शर्ट तो इसने बिल्कुल नहीं पहन रखी, शर्ट इसने भी नहीं पहन रखी है, और ये जो व्यक्ति है इसने भी शर्ट नहीं पहन रखी है, ठीक है ना। दोनों ने शर्ट नहीं, केवल जो है एक कपड़ा शरीर पर डाल रखा है, देखो इसने भी डाल रखा है, और नीचे इसने क्या पहन रखा है, लुंगी पहन रखी है, क्या पहन रखी है, लुंगी, ठीक है ना। क्या आपने कभी अपने आसपास जनरल लोगों को लुंगी पहनते हुए देखा, नहीं, हमारे यहाँ क्या पहनते हैं, पैंट शर्ट पहना जाता है, ठीक है ना। जो पुराने लोग हैं, ओल्ड बूढ़े लोग हैं, वही पहनते हैं, धोती कुर्ता भी पहना जाता है अपने यहाँ, ठीक है ना। अब इनके सर को देखो, मेरे सर को देखो, और अपने भी सर को देखो, क्या कुछ मैंने बांध रखा है, नहीं, ठीक है ना। अपने सर को देखो, अपने पापा को देखो, बांध रखा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इन दोनों व्यक्ति ने सर पर देखो बांध रखा है, ठीक है ना। तो चित्र से आपको समझ में आ रहा है कि वहां के लोग कैसा पहनावा है उनका, समझ में आ रही बात। अब इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर देना है, और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास बुक, बिना बुक के बाकी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। अब आप बुक परचेज करिए, कॉपी बनाइए, नई कोर्स कॉपी, उस पर अच्छे से कवर आप कर लेना, और क्वेश्चन आंसर राइट करके हमें भेजना है। समझ में आ गई सभी बच्चों को बात, धन्यवाद।